नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा परिचय तो ये है कि वो बांसुरी वादक हैं बहुत कमाल के बांसुरी वादक हैं लेकिन ये तो बड़ा परिचय हुआ इस परिचय के अंदर जैसे हम परीक्षा में एक हेडिंग के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग लिखते थे तो वैसे इनके परिचय की बहुत सारी सब हेडिंग्स भी हैं जो इस इंटरव्यू में निकल कर आएंगी और जब हम बातचीत करेंगे तो लेकिन परंपरा यह कहती है कि सबसे पहले अश्विन जी का स्वागत किया जाए अश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लेटफॉर्म में धन्यवाद करता हूं और बाकी सारे सभी प्रेक्षकों का उनको नमस्ते करता हूँ अश्विन जो पृष्ठभूमि है परिवार की और परिवार में जिस तरह से संगीत के संस्कार रहे हैं मतलब पंडित रविशंकर जी की जो थॉट प्रोसेस है उससे आपकी माता जी का सितार वादन रहा हो उसमें आ, आप जब छोटे थे तो ये जो सीखने की शुरुआत थी उसके दो विकल्प क्या थे पहला विकल्प ये था कि माँ ने हाथ पकड़ा और कहा बेटा बैठ जाओ सीखना है या दूसरा आपने माँ के पास जाकर कहा कि माँ प्लीज मुझे सिखाना शुरू कर दो मुझे भी ये जो आप बजाते हो ये संगीत बहुत अच्छा लगता है कौन सा विकल्प ज्यादा सही है बल्कि दूसरा और उसमें भी मुझे कहना नहीं पड़ा जब मैं कहने के काबिल हुआ उसके पहले ही आई थिंक शुरुआत तो मेरे नाना जी ने इस बात को बहुत ध्यान से बताया कि माँ जब मैं कोक में था तभी वो रियाज जारी रखें ताकि उसका मुझे साउंड मुझे सुनता सुनाई दे और आई थिंक छः छः सात महीने की उम्र में जब बच्चे पलटते हैं तो उस समय बल्कि वैसे भी रेडियो और एल पी डिस्क तो चलते ही थे घर पे तो उससे अपेरेंटली माँ ने मुझे बताया मुझे नहीं मालूम कि मैं उससे सुर मिलाते हुए मैं आवाज लगाता था आ, आ, तो वो खास करके वो इमामी का एक जिंगल इमामी तो मैं आ करके गाता था ऐसे माँ बोलती थी शायद ये सच भी है आ, पर तभी से रुचि संगीत में मेरे अंदर संगीत में रुचि उन्होंने देखा और दोनों ही माँ और पिताजी दोनों ने ही दोनों ही संगीतमय हैं माँ तो प्रोफेशनली थी ही पर पिताजी भी बहुत नेचुरल म्यूजिक उनके फैमिली में मेरे दादाजी के बड़े भाई पंडित पंडित नहीं, विद्वान अन्ना स्वामी बागवतर दक्षिण भारत के बहुत बड़े हरि कथा आ, के एक्सपोनेंट थे और शुरुआत इन हिंदुस्तान के पहले कुछ पद्मश्रियों में से उनका नाम आता है तो घर पे तो संगीत था और पिताजी नेचुरली वो भी म्यूजिकल थे तो वो माहौल कभी मुझे नया नहीं लगा तो मैं कहूंगा कि इसे इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया मुझे मैं उसी के अंदर तैरते हुए निकला हूं ऐसे मुझे लगता है बिल्कुल और आ, मतलब इसको कहना चाहिए कि ये बहुत आ, खुश नसीबी है आपकी सौभाग्य है आपका और आप जब आ, जब बड़ा कोई कलाकार आके पीठ थपथपाता होगा और आ, कुछ सुनने के बाद वाह वाह करता होगा आशीर्वाद देता होगा तो मुझे लगता है कि उसकी जो जड़ है वो उस उस कोख में ही है जहां से आपको वो संगीत अप्रत्यक्ष रूप से आप तक जा रहा था संदेह संदे। लेकिन अश्विन मुझे ये बताइए कि आ, संगीत तो हो गया माँ भी सिखा रही है या माँ ने भी समझ लिया कि संगीत सीखेगा पिताजी का भी सपोर्ट रहा तो ये जो बचपन की बदमाश ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि जो हमारे घर के बच्चे सामान्य घरों के बच्चे हैं जिनमें संगीत परंपरागत नहीं है वो भी कम से कम ये समझे कि सीखा जा सकता है मतलब बदमाशी करने वाले बच्चे भी सीख सकते हैं तो आप बदमाशी बदमाशी बचपन में कर पाते थे या बिल्कुल सिर्फ संगीत में ही रह गए मैंने बदमाशी अगर कहूं तो आ, वैसे खास तो नहीं करा मैंने मैं बहुत सीधा था अब बल्कि बदमाश हो गया हूं मैं पर वो तो दुनिया ने बना दिया मुझे एक उसके क्या कहते हैं anyway, एनीवे so, सो पिताजी जब आई वाज आई थिंक पांच चार पांच साल का था तब आ, हमारे यहाँ परंपरा है इधर शबरीमाला जाने की यात्रा तीर्थ यात्रा करने की तो वो वहां जाके उसके दौरान तीस दिन यू नो आदमी को सेलिब्रेट रहना पड़ता है और भजन करना पड़ता है और उनके ग्रुप में वो फिपल फ्लूट कहते हैं हमें हमारे तो यहाँ ऐसी जो गस्ती है फ्लूट तो वो एक उठा ले आए और पिताजी तो नेचुरल थे ही वो मोतार्गन बहुत अच्छी बजाते हैं और हारमोनियम बचपन में उनके घर पे जब पड़ी थी तो उन्होंने उसको उठा के नेचुरली करना सीखा तो वो बजाते थे और शर्ज का पोजीशन जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली अभी हम पंचम के पोजीशन से बजाते हैं उस पोजीशन से उन्होंने शर्ज माना उनके कान को जो ठीक लगा बिलावल ठाट मिलता है उसमें से तो उन्होंने लगा कि ये यही सर का नहीं सर तो भजन उनका हो गया वापस भी आ गया और वो मुझे दे दिया कि तुम्हारे लिए खिलौना है अब उसको मैंने भी नेचुरली अपना लिया सितार तब जारी था मेरा पर मां डांटती थी तो मैं उनके डांट के सुरावट को मैं मिमिक्री करता था बंस अब इसे आप बदमाशी कह लीजिए <laughs> ये ये म्यूजिकल बदमाशी है <laughs> हाँ तो वही कर पहले तो चिढ़ती थी बाद में हंसने लगती थी फिर उनको ये भी लगा कि यार ये तो सुर का पक्का है उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि शुद्ध स्वर ही लग रहे हैं या व, स्केल के ही स्वर लग रहे हैं इन बिटवीन जो श्रुतियां लगती हैं मैं उन्हीं को बजा लेता था रर 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 ऐसे ये चलता था तो आई सबकॉन्शियसली मैंने डिस्कवर किया कि ये तो पूरा ही मींड हो सकता है इसमें सो so, वैसे भी हुआ है बदमाशी की बदमाशी की बात अगर करें तो जो सब्सक्राइबर्स थोड़ा म्यूजिक के ग्रामर को कम समझते हैं उनको अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो अश्विन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए माँ ने डांटते हुए क्या डांटते हुए कहा कि क्या बदमाशी कर रहे हो तुम्हें तमीज नहीं रा, है रा, 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 रा। <laughs> तो उन्होंने उसको भी म्यूजिक में बासुरी में बजाकर दिखाया जो निश्चित तौर पर शुरुआत में किसी भी माँ को झुजराहट ही देगा लेकिन फिर जब उन्हें ये समझ में आया कि ये, ये डांट को भी संगीत में ले जा रहे हैं तो हंसी आई और फिर म्यूजिकल फैमिली से है बच्चा अच्छा बजाता है इसको जरा पढ़ाई के लिए प्रेशर कम डालो थोड़ा अगर पढ़ने में पांच दस नंबर एक्स्ट्रा भी देने तो दे दो कभी हुआ वो तो नहीं किया पर उन्होंने साठ सत्तर तो मिल ही जाते थे बिना मेहनत के तो जान बहुत देता था और आई वॉज उल्टा मेरे लिए मेरे क्लासमेट्स में दुश्मनी बहुत हो गई थी कि मैं टीचर्स पेट था मैं स्कूल कैप्टन रहा हूँ स्कूल परफेक्ट रहा हूँ हाउस कैप्टन रहा हूँ तो मुझे वो लीडरशिप के लाइन में बहुत मुझे धकेला गया बल्कि मैं आई वॉज नेचुरल टू इट और स्टेज uh, प्रोग्राम्स में भी साउंड सेट करने से लेके एक तरफ हारमोनियम एक ही गाने में हारमोनियम पार्ट बजाते हुए फिर फ्लूट का अपना पार्ट बजा के तबला भी बजाता था कॉन्गस बजाता था तो कि इंटरेस्ट बहुत थी मुझे और साउंड सेट करना बैलेंस सेट करना फीडबैक कैसे अवॉइड करना ये सब स्कूल में देख देख के सीख के उस चीज को वहीं से करने लग गया था तो आई वॉज टीचर्स पेट प्रिंसिपल ने यहां तक बताया कि टेंथ हमारे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था टेंथ मैंने जहां से किया था वहां पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम थी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में और मैंने बहुत स्ट्रांगली कॉमर्स चूज किया था तो मैं स्कूल शिफ्ट किया मैं केवी प्रोडक्ट हूँ केंद्रीय विद्यालय का हूँ तो ट्रांसफर इजीली हो गया पर प्रिंसिपल मेरे घर आके उस दिन मैं छत पे जाके छुप गया प्रिंसिपल की स्कूटर देखी सर की स्कूटर देखी तो मैं छुप गया तो मैडम हमारी प्रिंसिपल थी तो वो पिताजी से पौना एक घंटा बात करके गई कि इसको बोलिए कि साइंस स्ट्रीम इतना होनहार बच्चा है तो प्लस हमारे स्कूल के लिए एसेट है तो ये यू नो इट्स इट्स अ लॉस फॉर अस कि उसे बताइए कि वो यहीं कंटिन्यू करें तो पिताजी ने बोला तो वो तो अपने मर्जी का मालिक है वो मेरी नहीं सुनता आपकी भी नहीं सुनेगा उसको अगर कॉमर्स ही करना है तो फिर उसे मैं नहीं रोक पाऊंगा बट आपका बहुत धन्यवाद आप आए और मैं ऊपर से छत से देख रहा हूँ कि उनकी स्कूटर कब गई और फिर मैं नीचे कब सो so, ये हुआ था सो यस आई आई मेड एनिमीज एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जलने लग गए थे और मैं डरपोक भी था बहुत बचपन में तो वो चीज़ शायद उस चीज का अब उल्टा असर पड़ गया है कि मेरे अंदर से डर निकल गया जब मैं बॉम्बे आया नाइनटी नाइन में डर मेरे अंदर से निकल गया और उसका मेरे म्यूजिकलिटी पे बहुत पॉजिटिव असर गिरा कि मैं किसी भी चीज को ट्राई करने से मैं संकोच नहीं करता सो अच्छा ही हो गया मुझे लगता है उससे हम हमारे और आपके में एक समानता अभी तक की बातचीत में समझ में आ गई कि आप 99 में मुंबई आया और मैं 99 में इलाहाबाद से दिल्ली आया था अरे वाह खैर मैं जो अगले सवाल पे आ रहा हूँ वो थोड़ा गंभीर किस्म का सवाल है अश्विन जिस उम्र में आप बात कर रहे हैं कि म्यूजिक का इतना क्रेज कि हारमोनियम भी बजा लिया तबला भी बजा लिया म्यूजिक सेट कर दिया घर पे रियाज चल ही रहा है घर पे सीख ही रहे हैं परिवार में संगीत की परंपरा है ही क्या इन सारी चीजों को मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके डिसिप्लिन से जोड़ सकता हूं क्या आपको आज ये लगता है कि आप अपने पियर जो ग्रुप था उसमें डिसिप्लिन के मामले में उनसे बेहतर थे क्या आज आप ये आपको लगता है कि आपके साथ उस उम्र में बच्चे जो बदमाशियां करते हैं जिस तरह की गलत संगत में चले जाते हैं कई बार उन सब चीजों से आप बचे रहे और उन सब चीजों से बचाए रखने वाली जो मूल चीज है वो संगीत थी संगीत थी माँ पिताजी के संस्कार थे वो दोनों एज अ uh, जैसे शख्सियत उनकी इतनी प्योर थी कि ना नॉट बिकॉज वो मेरे माँ बाप हैं पर मैंने बहुत कम ऐसे uh, इंसान देखे हैं जिनके अंदर इतनी अच्छाई है उनकी सिखाई हुई वो बातें मैं आज भी सबकॉन्शियसली uh, बहुत पालता हूं कि मैं uh, किसी का बुरा नहीं चाह सकता चाह कर भी नहीं चाह सकता मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा ये इसमें बुरा नहीं चाह रहा ये शायद इनका नजरिया अलग होगा पर वो मैं कर नहीं पाता उस चीज को या शॉर्टकट्स नहीं आते मुझे मुझे हर चीज़ की तह तक जानी होती है वो मेरे पिताजी का टेक्निकल ब्रेन इंजीनियर हैं वो तो आ, उन्होंने भी बचपन से ही मैं वो स्कूटर रिपेयर करने बैठते थे तो बाय द टाइम सिक्स सेवन इयर्स ओल्ड मेरे हाथ में वो आ, टूल्स देना और ये ये मुझे अगला ये चाहिए वो मुझे देखते नहीं थे जैसे सर्जिकल प्रोसेस होता है ना जो हॉस्पिटल में वैसे वो करते थे कि मुझे अभी ये नोज प्लायर चाहिए आठ नंबर का स्पैनर चाहिए तो एंड तीसरे चौथी बार तक तो मैं रेडी हो गया था कि इसके बाद ये नट का आठ नंबर होगा इसका ये होगा सो मेरा भी ब्रेन ग्रास्पिंग में बहुत पावरफुल था उस टाइम आई थिंक आई वॉज ओनली लकी आई शुड से ऊपर वाले की दया भी थी और इन दोनों के जेनेटिक्स में वो चीजें ऐसे मिलकर आई हैं मेरे लिए और दोनों ही चीज़ों का योगदान रहा म्यूजिक तो था ही म्यूजिक के जो परिभाषा है उसमें क्या जैसे आ, प्रोसेस एक ग्राफ का होता है आलाप हुआ उसके बाद फिर जोड़ हुआ अगर तंथकारी बजा रहे हैं या गायक की बजा रहे हैं तो ख्याल में बढ़ा तो उसकी विस्तार में एक उसका एक मैथड टू द मैडनेस वो जो मेथड है वो पहले मुझे जल्दी समझ में आ गई तो उसकी एक्सटेंशन का ही रोल समझ लीजिए कि वो डिसिप्लिन जहाँ बैठा कि रियाज करना ही पड़ेगा अब एक जगह ऐसे हुआ कि आकाशवाणी का प्रोग्राम था और उस दिन कुछ खास नहीं बची बहुत बुरा हुआ टू बी ऑनेस्ट बट मैं पॉलिश uh, कह रहा हूँ कि कुछ खास नहीं बची थी तो शाम को माँ ने कभी डांटा नहीं दोनों ने भी कभी नहीं डांटा मुझे uh, इतना ही बताया कि uh, रियाज हुआ नहीं था इसलिए शायद ऐसे बजा होगा बस इतना बोल के वो चुप हो गई और वो मेरे जगह में ये क्या नहीं डांटने का जो असर पड़ता है वो ज्यादा पड़ता है डांटने से क्या बच्चे छुपाने लगते हैं फिर जो नहीं डांट के जो उन्होंने मुझे खोल दिया ना दिमाग को वो अलग ही हो गया तो तब से फिर रियाज की इंपॉर्टेंस समझ में आके नहीं करता था मैं एक तो मैं रियाज करता था ताकि मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े जब भी दोनों बात करते थे कि अरे इसके हाफिअ अली में कम मार्क्स आए हैं तो फिर मैं तुरंत तानपुरा ऑन करके अपना बैठ जाता साहब तो बोलते कि अच्छा रियाज पे बैठा था क्या भी इसको पढ़ने मत बोलना नहीं तो मेरे ऊपर वो आफत आएगी कि अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम्हारे मार्क्स कम आए जो भी सो आई वुड एक्चुअली मेरा रियाज का ये एस्केप था कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं हो सो डिसिप्लिन आता गया आई थिंक इट्स द कल्चर दे द मी इट्स द द इंपॉर्टेंस ऑफ बींग ट्रूथफुल व्हाट यू डू उसकी एक Uh, क्या कह सकते हैं uh, उसमें एक सादगी चाहिए उसमें एक बहुत प्योर सरेंडर चाहिए उस चीज को उन्होंने सबकॉन्शियसली मुझे बताया बाई बी देवर ऐसे बताया नहीं उन्होंने क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था वो लोग नेचुरली थे ही वैसे तो शायद वहां से आया है वो बट यस डिसिप्लिन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लस मेरा डरपोक होना बचपन में दो बार खेल के समय मेरा मेरे दोनों हाथ टूटे हैं एक वो राइट रिस्ट टूटा था फुटबॉल के टाइम और एक बार पेड़ चढ़ के पेड़ से गिर गया तो लेफ्ट रिस्ट उसके पहले टूट गया था तो वहां से भी थोड़ी बहुत मस्ती मैंने भी की थी पर वहां से वो बैठ गया कि नहीं बजा नहीं पाऊंगा मैं आई यूश टू बी ए क्रिकेटर मैंने स्कूल में क्रिकेट रिप्रेजेंट रेप, रेप, किया था पर वही बात हो गई कि बजा नहीं पाते तो फिर मैं शायद क्रिकेटर होता अगर मैं बजाता नहीं तो बट वो भी रह गई बात प्लस ये जलस जो स्कूलमेट्स थे उनसे बुलिंग बहुत हुआ है मेरे ऊपर तो वो सारी चीजों के असर से ना मैं सिकुड़ा नहीं बल्कि मेरे साथ मेरा म्यूजिक ही था जो भी था प्लस सुनना और कैसेट्स और ये वो सब उस, वही उसी में रह गया मैं याद जो आप अपनी सारी बचपन की पोल खोल रहे हैं जब ये इंटरव्यू आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो देखेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा वो बात थी कि नहीं, उन्हें सारी बातें पता थी दोनों ने मतलब पिताजी भी माँ भी माँ तो अब नहीं रही पर उनसे कोई जब कि, आ, क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड मेरी एक ही बनी जो अभी मेरी पत्नी है पर वो भी विषय मैंने घर पे तुरंत खोल दिया था कि ये है अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता पर ये है तो उनसे कभी कोई चीज उन्होंने भी वैसे ही मेरे साथ रखा रिलेशन की दोस्त ज्यादा थे मेरे तो कोई भी चीज छुपी नहीं थी उनसे आ, तो ये सारी बातें वो तो जानते ही है एक्चुअली वो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ पंडित छन्नूलाल मिश्रा का बचपन का एक किस्सा एक बार वो नहाने चले गए बिना बताए घर पे नदी में तो उनके पिताजी जब आए उन्होंने पिटाई करना शुरू किया तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा सिवाय यही कहा कि 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 अगर तुम डूब जाते तो तो गायक कैसे बनते आहा, तो, आहा, तो, तो, वो जो आप बात कह रहे हैं ना डर था टूट गया तो बजाऊंगा कैसे बिल्कुल ये, ये डर नहीं है कि हाथ टूट गया तो मेरे मेरा फिजिकल क्या नुकसान होगा वो वो तो सेकेंडरी है या शायद और बाद में है पहला डर इस बात का है कि बजाऊंगा कैसे वही उसी पे याद आ गया और दूसरा राजन साजन जी में राजन जी कहते थे हालांकि राजन जी दुर्भाग्यपूर्ण अब नहीं रहे हमारे बीच कि संगीत सीखने वाला आदमी कभी अपराधी नहीं हो सकता आप संगीत अगर उसने संगीत सीखा है तो वो कुछ भी कर सकता है अपराध नहीं कर सकता और मुझे लगता है पिछले दो ढाई सालों में अश्विन जी कुछ नहीं तो मैंने ढाई सौ तीन सौ शायद इससे ज्यादा ही मतलब मैं अभी तुरंत जोड़ नहीं पा रहा हूँ उतनी तेजी से जितने कलाकारों से मैंने बात की है अब तो मुझे लगता है कि ये ये बात पूरी दुनिया को समझनी चाहिए सिर्फ भारत को नहीं दुनिया को समझनी चाहिए कि जो हमारा आचरण है हमारा जो बिहेवियर है उसमें म्यूजिक का रोल क्या है अगर हम म्यूजिक सिखाएं तो क्या हम समाज में जो तमाम विसंगतियां हैं जिसमें अपराध है जिसमें तमाम सारी चीजें हैं क्या हम उससे अपने आने वाली पीढ़ी में बच्चों को बचा सकते हैं ये एक बहुत नई और बहुत फ्रेश आ, डिबेट हो सकती है जिसको समझाने की जरूरत है आम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं ये तो बात हम लोगों में भी बात होती है मैंने नीलाद्री भाई से भी जब बात किया था या कौशिकी जी से बात की तो हम लोगों में ये मत तो है कि एकेडमिक में मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स में म्यूजिक को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अगर साउथ इंडिया है तो कर्नाटक म्यूजिक और नॉर्थ है तो फिर हिंदुस्तानी संगीत को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाया दिया जाना चाहिए यदि मैं ये मानता हूं कि हर हर व्यक्ति सुरीला नहीं हो सकता कि पैदाइशी सुरीला हर आदमी नहीं होता पर उसके थियोरी के अंडरस्टैंडिंग से जो फिलोसॉफिकल ज्ञान जो मिलता है और उससे जो कल्चर हमें जागरूक होता है उसके अंदर से एडिशनल जो चीजें होती हैं वो बहुत सारा कुछ अपने पर्सनालिटी में उस चीज को बदलाव अच्छे तरीके अच्छे तरह से बदलाव ला, लाया जा सकता है उससे ये बहुत ये तो गारंटी है इसमें कोई शक ही नहीं मैं ये नहीं कि मैं म्यूजिशियन हूं और मुझे बताना चाहिए ऐसा कुछ नहीं दिस इज कॉमन सेंस मेरे हिसाब से बींग ए म्यूजिशियन मैं ये खुद से मैंने अनुभव किया है इस चीज को और मेरे आस के लोगों में मेरा बचपन का दोस्त अभी भी मेरे बहुत खास हैं काफी सालों से मिले नहीं पर उस टाइम पे वो एकदम कर्ण कठोर एकदम जीरो टोन डेफ पर मेरे साथ रह रहे के ना उसके अंदर पर्सनैलिटी की चेंज आई वो रिदम में बहुत स्ट्रांग होने लगा था एक तरफ वो तो म्यूजिकली चेंज हो रहा था पर उसमें एज अ ह्यूमन वो चेंज होते गया और उस, उसने बताई भी ये बात कि यार ये आई वॉज नॉट लाइक दिस मैं शायद पहले चीटिंग करता था एग्जाम में या अब मेरा मन नहीं करता ये चीज़ करने का सो वो जो बदलाव है वो शायद म्यूजिक की वजह से हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ मी बट वो मेरे जरिए म्यूजिक की वजह से हुआ है वो So, ये मैं बहुत मतलब इसमें कोई संकोच ही नहीं है कि डाउट ही नहीं है कि ये तो है ही बात सच आपकी मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स में म्यूजिक होना जरूरी है क्लासिकल म्यूजिक ये बाकी नहीं क्लासिकल म्यूजिक एक हद तक फोक होना चाहिए फोक की कल्चर जो जहाँ जहाँ लोकल स्कूल्स हैं उस प्रांत के जो लोक संगीत है वो भी होना चाहिए और अगर सीरियसली म्यूजिक सीखें तो हमें कहा जाता है कि हर चीज सीखनी चाहिए कि गाना भी सीखो वाद्य भी सीखो और ताल भी सीखो ताल वाद्य भी सीखो ताकि तीनों का संपूर्ण ज्ञान एक पद प, बनता जाए और जो भी आप आपकी चॉइस हो अगर आप गायन चॉइस कर रहे हैं या वादन चॉइस कर रहे हैं तो या तबला चॉइस कर रहे हैं तो आपको बाकी दोनों डायमेंशन का ज्ञान होता है उससे अलावा पोएट्री सीखना बहुत जरूरी है पोएट्री हमारे लिटरेचर और जितनी भाषाएं हम सीख सकें वो भी जरूरी है मैं खुद सात भाषाएं बोलता हूं उससे मेरे अंदर जो पर्सनालिटी की जो मेरे अंदर जो डेवलपमेंट हुई है इट्स मैं बहुत बड़ा श्रेय उसको देता हूं कि मेरे लैंग्वेज के नॉलेज की वजह से वो हुआ है सो ये दोनों चीजें पोएट्री और लैंग्वेज ये बहुत जरूरी है लैंग्वेज पहले फिर पोएट्री ऑफकोर्स लैंग्वेज आए तो फिर पोएट्री भी आ जाएगी पर ये बहुत जरूरी है साहित्य कविता मोर इम्पॉर्टेंटली साहित्य तो है कविता पोएट्री जरूरी है बिल्कुल और ये पूरा का पूरा आपने जो अभी बात कही ये कलाओं के अंतर संबंध पर जाकर बात होती है कि क्या इंटर रिलेशन है अगर आप डांस कर रहे हैं और अगर आपको साहित्य मीरा या तुलसी या सूर ज्यादा समझ में आता है तो आप कैसे बेहतर एक नृतक हो सकते हैं या अगर आप कुछ ऐसा बजा रहे हैं जिसमें आपने तमाम सारी चीजें हैं चाहे वो गीत गोविंद हो चाहे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं बेसिकली म्यूजिक इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस किस चीज को, को करते हैं भावनाओं का एक्सप्रेशन करते हैं बिल्कुल भावनाएं आती हैं सोच से सोच में शब्द पाए जाते हैं शब्दों में कविता पाई जाती है अगर आप में पोएट्री नहीं समझ आती तो आप म्यूजिकली उस चीज को कैसे व्यक्त करोगे और पोएट्री मैं वो क्लासिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री की भी बात नहीं कर रहा उससे उसकी सबटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि पोइट्री किसी भी चीज में हो सकती है एक बहुत पहले मैंने देखा था मोहम्मद अजहर बैटिंग करते थे उनकी जो लेग साइड जो रिस्ट फ्लिक होता है बिल्कुल उसमें वहां पोएट्री है सो किसी भी चीज में पोएट्री पाई जा सकती है अगर सब टेक्स उसकी खूबसूरती मैं, मैं बोलर था मैं मुझे बैटिंग नहीं आती थी मैं बोलर था और वो आउटस्विंग उसमें एक पोएट्री है उसकी लाइन एंड लेंथ में एक पोएट्री है या कट होके जब रिवर्स स्विंग होती है बॉल तो उसकी एक पोएट्री है जब स्टंप को ना लग के एक जाती है बीट होता है बैट्समैन उसमें एक पोएट्री ये चीज जिसको क्रिकेट समझ में आए वो शायद इस चीज़ को पा ले तो पोएट्री हम हर एस्पेक्ट में हर पहलू में किसी ना किसी चीज में हम देखते ही रहते हैं पर उसको शायद पहचान नहीं सक रहे सो तो वो जो पोएट्री कोई चीज अच्छी क्यों लगती है फिल्म देखी यार बहुत ही घटिया फिल्म क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उसको पोएट्री मिसिंग लगी होगी पर वो कॉन्शियसली उस चीज को जान नहीं पा रहा है ये उस पोएट्री की बात कर रहा हूं मैं म्यूजिकली किसी का म्यूजिक परफॉर्मेंस अच्छा क्यों लगता है सिर्फ धुरंधर गायकी बजाने में वाह 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 वा, ये तो टैलेंट टैलेंटेंट शोज के जरिए हो चुका है कि किसी ने हरकत ले ली या बड़े तान या ऊंचे सुर में गा दिया तो सारे खड़े हो ताली बजा रहे हैं वो तो ठीक है पर पोएट्री का एक अच्छे एक प्योर एक ईवन थर्टी सेकेंड्स आलाप में जो मजा आ सकता है आदमी को जो भावुक कर सकता है रुलाएँ आवश्यक नहीं है पर किसी भी तरह से अगर उसको भावुक भावनाएं उसके अंदर पैदा कर सकता है वो पोएट्री वहां पाई जानी चाहिए और उस पोएट्री की समझ किसी ना किसी तरीके से हमें स्कूल लेवल पे हमें बताना चाहिए बिकॉज बच्चों को वो कल्चर उस उम्र में नहीं दिया जाए तो आगे जाके शायद वो ना पाए बहुत कम लोग हैं जो आगे जाके उसकी उत्सुकता रखते हैं जानने की और यू नो दे वांट टू लर्न अबाउट इट अरे मुझे अचानक क्लासिकल मैं चालीस साल का हो गया मुझे अच्छा क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लग रहा है क्यों अच्छा लग रहा है मुझे नहीं समझ में बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बचपन में ही अगर उस चीज की अगर आप उसमें हल्का फुल्का भरते जाए भरते जाए जिस तरीके से बाकी सब कुछ करते हैं हम साइंस अच्छे अच्छी नहीं भी लगे केमिस्ट्री अच्छी भी नहीं भी लगे तब भी हमें जबरदस्त सिखाया जाता है तो म्यूजिक क्यों नहीं और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आगे जाके हमें समझ में आ ही जाती है खाने में नमक डालो उसमें केमिस्ट्री है नहाने के साबुन में केमिस्ट्री है केमिकल्स है केमिस्ट्री है इस वजह से ये साफ हो रहा है आजकल ये कोविड के टाइम पे हैंड सैनिटाइजर में केमिस्ट्री केमिस्ट्री है हर चीज़ में केमिस्ट्री। लेकिन उस समय नहीं समझ में आ रहा था अच्छा नहीं लग रहा था पर आज वो काम आ रहा है आपको देखिए एक सिमिलरिटी एक आपको मैंने बताई थी 99 नाइन अब दूसरी बता देता हूं ताकि जिससे आ, मेरा भी एक आ, खुलासा हो जाए कि आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं मूलतः क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं और 2003 से लेकर और अब तक में लगभग 30-35 विदेश यात्राएं भारतीय टीम के साथ की हैं तीन चार वर्ल्ड कप कवर किए हैं दो ओलंपिक्स कवर किए हैं बहुत सारा तो जीवन मेरा भी खेल के ही इर्द गिर्द है मेरे ख्याल से आपके जीवन में इस बात के लिए आपको खास प्रणाम मैं भक्त क्रिक, हूँ क्रिकेट का भक्त हूँ मैं तो क्रिकेट और क्रिटिक लगभग वर्ड प्ले है तो आपको दोनों चीजों के लिए नमन तो वो और और दूसरी चीज जो मेरी संस्था है जिस संस्था के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं राग गिरी अश्विन हम लोगों ने जब ये संस्था शुरू की थी मेरा म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में कम काम करते रहे और जो बात अभी आप कह रहे थे आपको याद होगा सारे गा में बहुत सालों पहले एक सेगमेंट होता था जिसमें वो एक गाने की ताल चेंज करते थे दे। दे। कहते थे कि अब इस ताल पे गा के बताइए तो वो मुझे गाना भी याद है वो गाना मेरे ख्याल से शाहरुख खान की फिल्म का था अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना उसका उन्होंने ताल चेंज किया और सब कॉन्शियस से मेरे से वो अपने आप मैंने वैसे ही गाया जैसे वो वहां पे कॉन्टेस्टेंट ने गाया तो मुझे लगा कि नहीं मैंने सीखा नहीं है कुछ नहीं है लेकिन मुझे म्यूजिक थोड़ा बहुत सुनने में अच्छा लगता है थोड़ा बहुत समझ में आता है तो फिर ये प्रयास शुरू किया कि क्यों ना इस देश में हर बच्चे को बताया जाए कि भैया शास्त्रीय संगीत है क्या और उनको उनके तरीके से बताया जाए उनको उनके लेवल पर जाकर बताया जाए छोटे बच्चे को यह बताया जाए कि जैसे तुम छोटा भीम कार्टून देखते हो वैसे हमारे देश में एक बड़े भीम है और उनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी जैसे आप शोले में जय और वीरू को देखते हो वैसे हमारे पास राजन साजन जी हैं पचास साल तक एक साथ गाते रहे बिल्कुल जैसे जैसे हम इस तरह के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देकर उनको बताएं कि वो बोर होने की बजाय या एमएस का मतलब सिर्फ एम एस धोनी नहीं है एम एस का मतलब एम एस सुब सुबह लक्ष्मी जी, जी, जी तो ये ये तरीके से हमने शुरू किया और यकीन मानिए आज सबसे ज्यादा अगर कुछ मुझे लगता है कि इस संस्था ने अचीव किया है तो आप जैसे कलाकारों का प्यार पिछले साल नेशनल बुक ट्रस्ट से मैंने चार कॉमिक्स लिखी बच्चों के लिए नौ साल से चौदह साल के बच्चों के लिए चार कॉमिक्स लिखी और कॉमिक्स का विषय पहले तो पृष्ठभूमि मुझे लगा अमर चित्र कथा अगर हो सकती है तो फिर बच्चों की कॉमिक्स में भीमसेन जोशी क्यों क्यों नहीं नहीं हो हो सकते सकते बच्चों की कॉमिक्स में उस्ताद खान क्यों नहीं हो सकते? नहीं सकते, बिल्कुल। उस्ताद खान उसके अलावा एम एस सुबलक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती या फिर पंडित रविशंकर क्यों नहीं हो सकते यानी वो चार कलाकार जो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत के नाम पर भारत रत्न हुए तो ये चार किताबें छप चुकी हैं क्या बात है छप चुकी हैं इसका बंगाली अनुवाद इसका उड़िया अनुवाद चूंकि नेशनल बुक ट्रस्ट से है तो अनुवादों पे काम चल रहा है तो मजा आता है इस तरह का काम करने में खैर बहुत ज्यादा बोला वैसे मैंने भी ज्यादा बोल लिया तो अब <laughs> अब मुकाबला एक एक से बराबरी पर है खैर <laughs> जो आपके परिचय में मैंने कहा था कि हेडिंग की सब हेडिंग्स बहुत सारी है आपने अभी इंटरव्यू में बताया कि हारमोनियम बजाता था कॉन्गो बजाता था तबला बजाता था सितार तो खैर बजाते ही थे फ्लूट आपकी पहचान है ही है इसके अलावा मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे फोक के ऐसी 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 चीजों में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो अब मेरा चुकी मैं अभी ईमानदारी से स्वीकार कर चुका हूं कि मेरा म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है आप ही बता दीजिए कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अब भी सिंसियरली बजाते हैं कुछ तो संभवतः छूट गए होंगे नहीं काफी सारी छूटी हैं मैं कोशिश ही कर रहा हूं बल्कि आयरिश म्यूजिक है आयरलैंड की इंग्लैंड के ऊपर उत्तरी बर्तानिया अगर हिंदी में कहें तो आयरलैंड नहीं पश्चिमी वो तो अलग से आइलैंड ही आयरिश आरि, फोक फ्लूट आती है टिन विज़ल आती है आ, उस पर आ, मेरी रुचि जागी वो टाइटैनिक फिल्म देखने के बाद कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है साउंड तो बांसुरी जैसा कर रहा है पर बांसुरी जैसा है नहीं फिर मैं आ, यानी का हमारे यहाँ ताजमहल में प्रोग्राम हुआ था और उनके यहाँ एक पेड्रो युस्ताची नाम के फ्लूट प्लेयर आए थे जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे बांसुरी भी बजाते थे बहुत ही सुंदर तो इटालियन है वो उस समय तो ये गूगल वूगल तो था नहीं पर धीरे धीरे करके बातचीत करने के बाद फिर नवीन भाई जो रहमान साहब के यहाँ उनके सारे पुराने जो अर्ली सॉन्ग्स में जो उन्होंने बजाया था उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन फ्लूट के ऐसे भी साउंड्स हो सकते हैं फिर पता चला कि अलग अलग प्रकार की बांसुरियां है बांसुरी है नहीं हमारे यहाँ की है ही नहीं और भी तर, ये बहुत सारे प्रकार हैं उसके तो फिर उस पर नवीन भाई को मिला जब बॉम्बे आया तो उनको मैंने आ, सलीम सुलेमान जो है भाई म्यूजिक डायरेक्टर उनके यहाँ काफी काम करता था मैं जिंगल्स और रेड फिल्म उनके फिल्म के प्रवेश के पहले की बात पर जब हम तुम की रिकॉर्डिंग हुई थी तो सलीम ने मुझे बताया कि नवीन भाई का आज रिकॉर्डिंग है तुम आ जाओ इत्तेफाक से ये हुआ कि फर्स्ट हाफ जहां तक मैंने उनकी रिकॉर्डिंग देखी थी वहां तक वो बजा पाए उस दिन फिर उनको जाना था कहीं और वो दौरे पे निकल गए कहीं और फिर सेकंड हाफ़ फिल्म में मैंने बजाया उस फिल्म में पर उस दिन जब उनसे मिला उसके बाद फिर दो तीन बार उनसे मुलाकात हुई एयरपोर्ट्स पे और ये खुद तो उनसे भी बातें होती थी फिर पता चला कि चाइनीज फ्लू टेक होता है चाइनीज क्लासिकल म्यूजिक में चाइनीज फ्लू टेक होता है जिसमें बांसुरी का ही टेक्निक है पर वो एक प्रकार के वुड से बनता है बांसुरी तो बांबू की है घास का प्रकार है यह किसी पेड़ को खोखला बना के अंदर से और उसमें बजाने उंगलियों के छेद और ब्लोइंग होल के बीच में एक और छेद होता है जिस पर वो एक आ, चावल के गोंद का बना हुआ पेपर लगाते हैं उस पर राइस पेपर कहते हैं तो उसमें से एक वो आ, बीन जैसी आवाज आती है साउंड फ्लूट so, का पर उसके साथ वो एक डायफ्रम की तरह काम करता है वो तो उसके उसका एक गूंज है वो चाइनीज फ्लूट में उसको चाइनीज फ्लूट कहते हैं बेंदी कहते हैं शायद पर चाइनीज फ्लूट हमारे सादे लैंग्वेज में वो मैंने उठाया सिंगापुर गया था तभी फिर इंग्लैंड में मुझे किसी ने ये आयरिश फ्लूट्स की एक तीन चार बार फ्लूट फ्लूट्स की एक सेट उन्होंने गिफ्ट करी थी फिर यूएस पहला मेरा टूर था पंडित जसराज जी की अकेडमी में कॉम्पिटिशन थी तो उस उसपे वहां उन्होंने आ, फाइनल रखा था तो वहां जाने के बाद एक ही दिन था तो मैं किसी को पहचान बना के कहीं से मुझे पता भी नहीं था कैसे वो सब डॉलर्स और ये वो सब कुछ नहीं था वॉट आई थिंक ट्वेंटी तो फिर फोर्टी एथ स्ट्रीट में उस समय सामैश म्यूजिक फोर्टी एथ स्ट्रीट में हुआ करता था अब फोर्टी एथ स्ट्रीट बंद हो चुका है टाइम स्क्वायर के पास वहां जाके सामश गया तो सैमैश में तो मिल ही नहीं रहा कुछ और सामने देखा न्यूयॉर्क यॉर्क म्यूजिकल्स नाम की एक छोटी सी दुकान है ये जो दरवाजा दिख रहा है इतना ही मतलब वो दुकान अंदर भी वैसे ही था वहां पे एक लड़की सेल्स वूमन थी और दुनिया भर के विंड इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे और मेरे पास पैसे इतने थे नहीं तो मुझसे जितने हो पाए मैंने किया मैंने कहा ये, ये क्या है ये क्या है अच्छा शाकू अच्छी भी है शाकु अच्छी होता है एक जापानी फ्लूट ये नवीन भाई मुझसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं पर मैंने जितना हो सके मैंने उसको कलेक्ट किया एक होता है ओकारिना मेरे पास आयरिश फ्लूट चाइनीज फ्लूट ओकरीना है आ, मिट्टी की बनती है और गोल आकार का होता है और उसी में ऐसे छेद होते हैं और एक तरफ उसकी विजिल जैसी ब्लोइंग होती है ओकरीना का साउंड भी अलग फिर एक होता है पैन फ्लूट जबकि पैन फ्लूट में मेरी इतनी माहिरी हासिल नहीं हुई है पर मैंने कोशिश जरूर किया है एक टर्किश ने फ्लूट होता है जो यूं रख के बजाया जाता है तो सीधा हल्का सा एंगल में होता है ने फ्लूट्स चेक करिएगा अगर दर्शक यूट्यूब पर ने एन ई वाई स्पेलिंग है टर्किश ने है और उसके अलावा एक ने के और एक प्रकार भी है आई थिंक इजिप्शियन ने भी होता है दोनों में प्लेइंग टेक्निक सिमिलर है पर साउंड बहुत अलग है दोनों के उनके म्यूजिक के उनके जो जैसे अरेबिक म्यूजिक में बहत्तर जैसे हिंदी में हिंदुस्तानी में दस प्रमुख हैं कर्नाटक में बहत्तर मेड़कर्ता कहते हैं हमें ठाट के प्रकार होते हैं मेड़कर्ता उसी तरह से बहत्तर उनके भी ठाट के कुछ उसका एक वर्ड है वो इस बार मैं दुबई गया था तो सना मूसा नाम की एक बहुत बड़ी सिंगर है माहिर अरबिक वोकल्स रहमान सर के साथ जब हम गए थे तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी वही कहा कि शायद हमने भी कभी ना कभी कर्नाटक म्यूजिक से इस चीज को लिया होगा पर बहत्तर अलग अलग श्रुतियों की कॉम्बिनेशन से स्केल्स उन्होंने बनाई हैं उनकी सो नए फ्लूट नए फ्लूट पर कोशिश जारी है आवाज़ नहीं आती पर ओकारिना मैं काफ़ी अच्छा बजा लेता हूँ और एक रिकॉर्डर होता है वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का रिकॉर्डर और इंग्लिश फ्लूट रिकॉर्डर में ब्लैक फिल्म आई थी भंसाली साहब की उसका मेन थीम मेरे वो बेस रिकॉर्डर का थीम है वो आ, बस अभी इतना ही याद आ रहा है मुझे <laughs> पर हाँ लोक संगीत माने इंडियन फोक में तो बांसुरी का एक जो मेन जो प्रकार है जैसे बंसी जिसे आ, कहा जाता है तो वो तो है ही पर उसी का एडवांस्ड फॉर्म है आज की जो हमारी शास्त्रीय संगीत में जो बांसुरी पाई जाती है जो पंडित हरिप्रसाद चौरसा जी ने प्रचलित किया जिस चीज को वो अब ये है अब इसमें भी और इनोवेशंस जारी हैं हमारे गुरु जी ने पंडित वेंकटेश गोड़किंडी जी ने उसमें पंचम एक थम्ब होल इंट्रोड्यूस किया है बांसुरी में जिससे एक और सुर मतलब पूरे एक सप्ताह का पंचम से पंचम तक का ऑक्टेव मिल सकता है जो नॉर्मल बांसुरी में नहीं होता मध्यम पंचम में एक कटने की साउंड आती है ऑक्टेव कटता है तो वहां मींड नहीं पॉसिबल है तो इन्होंने थम होल इंट्रोड्यूस किया किसी ने लिटिल फिंगर से पर्णाल घोष जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिटिल फिंगर के होल के लिए कुछ किया था उन्होंने पूरी पोजिशनिंग चेंज करी उनकी कि वो टच कर सकें दूर पड़ता है वो और कुछ लोगों ने अलग से कुकी रखा है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उस पर पर है वर्क इन प्रोग्रेस और अच्छा ही होगा काम काफी मैं अब आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इतनी सारी बातें हम लोगों ने की हैं तो आपको कुछ सुना भी जाए लेकिन सुनने से पहले अभी अगर आपने नोटिस किया हो कि मैं आपसे बात करने के दौरान कुछ कुछ इशारे कर रहा था दरअसल मेरी जो बेटी है मैं उससे कुछ किताबें इशारों में मंगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आपको किताबें दिखानी चाहिए जी जी ये देखिए ये किताब है माय फर्स्ट एडिंग बुक अरे वाह हम्म ये किताब है माय फर्स्ट नंबर बुक ओके अब इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है ये कहानी आपको सुना लो फिर आपसे कहूंगा कि कुछ सुनाइए आप हमें कुछ वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा मेरी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बच्चों को इंटरेस्टिंग ढंग से सिखाने की हमने कहा यार ये ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग मेरे पिताजी ने भी पढ़ा था हम भी पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो क्यों ना बच्चों को एक फॉर अकॉर्डियन बी फॉर बैंजो सी फॉर कॉन्गो डी फॉर ड्रम पढ़ाया जाए जी ए टू जेड हमने इसका सारा इंस्ट्रूमेंट निकाला और ऐसी एक किताब छापी जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह के लोगों को लोग कहते हैं पागल है सनकी है तो वो किताब किसी ने अप्रिशिएट नहीं की किसी स्कूल में नहीं लगी लेकिन हमने छापी और उसके बाद हमने कहा कि ये बच्चों को जो एडिंग सिखाते हैं आपने भी देखा होगा वन प्लस वन तो साहब वहां पे दो सेब रख दिए वन प्लस वन टू फिर वन प्लस टू में एक सेब और दो सेब और रख दिए थ्री हमने कहा यार ये ऐसा बनाओ ना कि एक एक में ये बनाओ जी, एक ये है दो में गिटार लगा दो तीन में ये खोल लगा दो ऐसे भी तो बच्चा सीख सकता है बिल्कुल बिल्कुल और, और शायद इससे जो वो सीखेगा जी, वो उसके लिए एक नया अंदाज होगा खैर अब ये तो मेरी बात हो गई ये मेरा थोड़ा सा जो म्यूजिक के प्रति मेरा प्रेम है जब कभी मैं मेरे चैनल पे इंटरव्यूज करूंगा तो सबसे पहले मैं आप ही का नंबर लगाऊंगा और आपके इस पहलू को मुझे मेरे दर्शकों को भी बताना है कि ऐसा भी होना चाहिए बल्कि ऐसा ही होना चाहिए अगर संगीत को प्राधान्य दिया जाना चाहिए तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं मेरा खुद का फ्रॉम अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरा खुद का मानना है कि उस चीज़ को सिंपल करने की जरूरत नहीं है पर आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो एकदम ही शुरुआती लेवल के बच्चे हैं जैसे नर्सरी के बच्चे हों बिल्कुल जबकि तो केमिस्ट्री अगर फिजिक्स अगर पढ़ा रहे हैं तो वो हमारे लिए सिंपल करा के नहीं बराबर पढ़ाते वो तो अपनी फॉर्मूला बराबर बताते हैं हमें मगअप करना होता है तो टीचिंग की जो कोर टीचिंग जो होनी चाहिए ठोस जिसको जिस जब बच्चा उस लेवल पे पहुंचता है तो वहां पर तो जैसे बताया जाना चाहिए वैसा ही बताया जाना चाहिए जब तक वो समझ ना जाए पर उसके पहले का जो लेवल है वो ये है और ये मेरे अंदर भी बहुत एक बहुत सारी चीजें हैं मेरे अंदर काल्पनिक उन्होंने जागरूक किया है आपके इस चीज ने उस बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल पर एक अपना रिवर्स इंटरव्यू बनता ही है <laughs> अब अश्विन आप हमें क्या सुना रहे हैं ये बताइए क्योंकि हमने बात बहुत सारी की और बहुत दिलचस्प बातचीत की और बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि चाय की चुस्कियों के बीच में एक कलाकार से बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है कॉफी देखिए कॉफी है भी आपके पास <laughs> कुछ अब आपसे सुनना चाहेंगे कॉफी से याद आया मैं थोड़ा काफी सुनाता हूँ आपको अरे क्या बात है हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने बिस्मिल्लाह खान साहब को बुलाया था और आ, उनके भाषण के बाद जो पहला राग हिंदुस्तान आजादी के हिंदुस्तान ने सुना था वो राग काफी ही था और वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने सुनाया था जो अब अश्विन जी सुनाने जा रहे हैं उनको ये मुझे लगा कि मैं छेपक के तो उस लेवल का नहीं होगा अपना जो भी है थोड़ा सा कोशिश करूंगा मिश्र काफी है थोड़ा सा मिश्रित करके उस चीज को हल्का थोड़ा लाइट मज बड़ा अलौकिक अनुभव है अश्विन जी क्योंकि बांसुरी तो वैसे भी इतना दैवीय किस्म का इंस्ट्रूमेंट लगता है कि आप बजा दीजिए तो बस लगता है कि सुनते ही जाएं तो ये ये कहने का इशारा समझिए और इस लालच को समझिए कि अब आप कुछ और सुनाइए क्योंकि ये जो आपने छेड़ा है इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी करिए कहने का मतलब बस इतना है अच्छा ठीक है मैं आजकल एक कोशिश कर रहा हूं जी आ... टप्पा एक प्रकार है शास्त्रीय संगीत का बिल्कुल और क्योंकि मैं गाय के अंग बजाने का प्रयत्न करता हूं टप्पा गाने का एक बहुत मैंने बहुत कम लोगों ने उसको साधा है और अभी भी कोशिश जारी है मैं पिछले दो ढाई साल से इस चीज़ को बिठाने की कोशिश कर रहा हूं पर उस लय में बैठ नहीं रही जहां मैं चाह रहा हूं और गाय की अंग में क्या है थोड़ा सा मैं उस चीज का इंट्रोडक्शन भी कर देता हूँ जरूर जरूर गले में ना गले की बातों में सीधे सीधे सुर नहीं लगते उसमें एक खनक आती है एक क्या कहते हैं उसको हर सुर में अगर डिटेलिंग में सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो हर सुर में एक कण स्वर लग के फिर आता है ये होता है ऐसे बहुत कम होता है शास्त्रीय गायकी में आ, 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 आ तो सुनाई हमको वो दे आ, 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 रेगा ये होता है सो so, इस वादन में जो शैली है गुरु गुरुमा डॉक्टर राजम जी की शैली वायलिन आप तो जानते ही तो उससे प्रेरित होकर मैं बांसुरी में उस चीज को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं और टप्पा उसमें एक थोड़ा ज्यादा मुश्किल प्रकार है तो अगर गलती हो जाए तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं सबसे पर मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा क्योंकि नहीं किया तो फिर क्या ही किया ऐसे प्रयत्न का तो स्वागत होना चाहिए <laughs> e अभी तक यहीं तक है उसके उसके विस्तार बढ़त में काम चल रहा है जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस इंटरव्यू को उनको अगर मेरी जानकारी सही नहीं होगी तो अश्विन जी से मैं गुजारिश करूंगा कि ठीक कर दें लेकिन जितना मैं जानता हूं कि जो शास्त्रीय संगीत के अलग अलग घराने हैं उसमें टप्पा ग्वालियर घराने में बहुत कहा जाता है कि बहुत वहां पर एक गढ़ है गढ़ है और बनारस गिरजा देवी जी वो भी काफी टप्पा गाती थी उनकी जो शिष्याएं हैं जो अभी उनकी 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 परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं वो भी गाती हैं लेकिन ये बात अश्विन जी ने सही की कि कही की जो उपशास्त्रीय संगीत है यानी सेमी क्लासिकल है उसमें ठुमरी दादरा चैती कजरी ये सब फिर भी ज्यादा सुनने को मिलता है टप्पा उतना कम ज्यादा सुनने को नहीं मिलता और वो भी टप्पे पे अश्विन काम कर रहे हैं बांसुरी पर तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे जो प्रयोग है उनका तो स्वागत होना चाहिए अश्विन जी मैं अब चूंकि बहुत कम इंटरव्यू ऐसे दिल से हुए हैं जिसमें कोई मतलब इंटरनेट ने भी मेहरबानी की हो कि कोई व्यवधान ना पैदा किया हो जहां सवाल जवाब बहुत आराम से हो रहे हो और ये परंपरा से अलग हटके भी इंटरव्यू हुआ है वरना अमूमन बातचीत होती है कि कब तय किया कि प्रोफेशनल करना है गुरु कौन कौन से रहे उन गुरुओं ने क्या क्या सिखाया उन गुरुओं के बारे में बताइए तो संभवतः इस पर कभी हम फिर एक बार लंबी बातचीत करेंगे लेकिन कहीं अगर कुछ मुझसे रह गया हो जो आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए इस इंटरव्यू में तो मंच अब आपका है आप जरूर बताइए ऐसा शायद आपसे तो सवाल कोई रह नहीं गया पर कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा जरूर जहां पर भी मुझे ये अवसर प्राप्त होता है तो मैं कुछ बातें जितना भी हो सके अगर किसी ने मान लिया या कोई उल्टा भी कह सकता है कि तुम होते कौन है मुझे ये बताने वाले पर फिर भी मैं कहूंगा कि आ, ये मेरे अपने स्टूडेंट्स को मैं काफी बताता हूँ ये चीजें मैं फिलोसफिकली ज्यादा बताता हूँ मैं म्यूजिकली बहुत कम सिखाता हूँ क्योंकि वो म्यूजिकल हैं ही पर उनको फिलोसफी और उनके थॉट प्रोसेस जो लाइफ जिन जीवनचर्या जो वो, वो जीते हैं उसी चीज की एक्सट्रापुलेशन होती है उनके संगीत में तो मेरे कुछ उसूल हैं या कुछ आ, क्या कहते हैं उसको तकिया कलाम जिसको कहते हैं कि मैं जिसको बहुत दिल से पालता हूं उनमें से सबसे पहला ये कि ये जो हमारा जीवन है ये एक ही जीवन हमें पता होने वाला है और इस जीवन में ये पल जो है ये एक ही बार आने वाला है इस पल को वापस आप जी नहीं सकते ऐसा दूसरा पल आप जी सकते हैं ये वापस नहीं आएगा या ये दिन वापस नहीं आएगा ये क्षण वापस नहीं आएगा तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और ये भी नहीं कि हमें पता नहीं है हमारी एक्सपायरी डेट कब है सबका आना ये भी निश्चित है तो जितना हो सके हर पल को वैसे जिए जो आप चाहते हैं जीना वो अभी जी लो ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात मैंने एक एक किताब है रिच डैड पुअर डैड की उसमें उसने लिखा है कि इफ यू वांट टू बिकम अ रिच मैन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह जीना शुरू कर दीजिए अमीरों की तरह जीने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए पैसों की जरूरत है आप आपकी जीवन शैली को अमीरों की तरह बना लीजिए क्योंकि आपको अमीर बनना है यदि आपको अमीर बनना है तो या यदि आपको एक आपके कोई आइडल हैं आपके आदर्श हैं जिनकी तरह आपको बनना है आप उनकी तरह रहना शुरू कर दीजिए उसके लिए वो अलग से कोई मुहूर्त नहीं आने वाला है कोई ऐसा दिन आप चुन नहीं सकते कि इस दिन के बाद में वैसे रहूं। नहीं अगर ये आपके आदर्श हैं आपके आदर्श को सोच चुनिए सबसे पहले तो वो बहुत जरूरी है और अगर आप के खुद के आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए जो आप में है या आप में शायद उसकी कमी है तो उस चीज को पहचान कर वो आपका कर्तव्य है और हर पल को जीना बहुत जरूरी है ये जब से मैंने शुरू किया है काश मुझे पहले पता होता पर जब से मैंने इस चीज को समझना शुरू किया क्योंकि कोई भी चीज कुछ समय कुछ समय के बाद मायने नहीं रखती आज से आप खुद से ये प्रश्न कीजिए कोई भी हो आप दर्शक खुद से ये सवाल कीजिए कि आज से पांच साल पहले मेरी जिंदगी में मैं जहां पर भी था उसका आज मेरी जिंदगी में क्या मोल है क्या मायने उस चीज के नहीं है मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये चीज तो फिर आज जो आपके साथ हो रहा है अच्छा या बुरा जो भी इस चीज का आज से पांच साल बाद कोई मायने नहीं होने वाला नहीं सो so, पांच साल का आंकड़ा मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम है जहां पे इंसान बहुत बदलता है अगर वही चीज है तो कल जो खाया मैंने उस चीज का आज कोई मतलब नहीं बनता आज मैं जो खाने वाला हूं ये इसका कल पे कोई असर नहीं होने वाला तो अगर मुझे आज कुछ करना है कुछ अच्छा अगर उसमें भी करना है तो अब ही करो ये जब से मैंने करना शुरू किया वो मेरे लिए इतना ज्यादा मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में इतना मुझे काम आया है वो चीज और बेतुकी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता अभी आई एम स्टेंटली फाइंडिंग माइसेंग मेरे पास उसके लिए समय नहीं है मतलब लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ये करना ज्यादा जरूरी है तो यही करना है इसका इसका मजा आ रहा है इसका पागलपन है तो यही करना है जो जो भी हो उस चीज को आपको नाप तोलने की जो उसकी जो उसके संस्कार जो है आपके शायद माँ बाप ने दिए होंगे या आपके मित्रों में आपने पाया होगा या आपके आदर्शों में आपने देखा होगा उस चीज को नापने तोलने की आप में काबिलियत जरूर है हमें हम खुद रोकते हैं किसी भी चीज से हम स्वयं खुद को वंचित करते हैं और कोई नहीं करता आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वैसे ये हो गया या वैसे हो गया इसलिए ये हो गया कोविड हो गया इसलिए मैंने वो नहीं कर मैं वो नहीं कर पाया या मेरी नौकरी छूट गई हमें कोई रोकता नहीं है दो वक्त की रोटी चाहिए बस सिर्फ उसमें भी एक वक्त की रोटी से इंसान जिंदा जरूर रह सकता है <laughs> बाकी सारा कुछ वांट्स हैं जो हमने पैदा करी जरूरतें हमने पैदा करके रखी हुई है कि इतने सारे जो बॉम्बे के लैंग्वेज में कहते हैं पंगे पाल रखे हैं मैंने तो पंखे कम पालो और वही करो जो आपके मन में आया ये कोशिश करके देखिए दो तीन चीज़ों में आप जरा अप्लाई करके देखिएगा अगर जस्ट फॉर फन आपको एक नई जिंदगी दिखाई देगी ये मुझे कोविड के टाइम से ज्यादा पता चला है कि जीवन बहुत ज्यादा अमूल्य है और उसे बेतुकी चीज़ों में मुझे वो बर्बाद नहीं करना है अगर मुझे करना है कोई चीज़ तो मैं कर जाता हूँ इसी वजह से मैं फिल्म मेकिंग सीखा मैंने अभी खुद सीख के कोविड के टाइम पे अपनी वेबसाइट बनाई है विदाउट एनी हेल्प अब मैं आ, दो तीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे जुड़ा हुआ हूँ जिसका खुलासा इस समय नहीं कर सकता पर इन द कमिंग टाइम्स अगले दो साल के अंदर अंदर तीन चार ऐसे विभिन्न मतलब एकदम अलग अलग फील्ड्स के प्रोजेक्ट्स हैं और किसी दिन मैं फिल्म बनाऊंगा मैंने स्क्रिप्टिंग करना सीखा शॉर्ट फिल्म की तीन चार स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है जिसको भी सुनाया अच्छा लगा उनको तो आई नो प्रोफेशनल से लेकर आम आदमी तक जिसको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती हर पहलू में हर क्षेत्र से लोगों को अच्छा लगा है वो तो मैं किसी दिन फिल्म जरूर बनाऊंगा मुझे क्लासिकल और ज्यादा बजाना है और ऐसी 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 चीजें बजानी है जो जैसे मेरे अभी आज काफी सालों से पर इस समय इस दौरान बहुत ज्यादा मैं प्रेरित हो रहा हूँ पंडित कुमार गंधर्व जी की गायकी से तो उनकी चीजें मुझे बजानी है उनकी गायकी उसमें जो श्रुतियां लग रही हैं और वो बेसुरा ना लगे श्रुतियां लग रही हैं अवश्य पर जैसे दरबारी में उनके निषाद और धैवत का एक अलग ही लगाव है वो ये, ये दरबारी है पास उन्होंने लगभग शुद्ध दैवत है ये 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 या, ये मैं गाता हूं तो बेसुरा लगेगा पर आप उनकी गायकी सुनिए आपको दरबारी एकदम स्वच्छ नजर आएगा अगर आप उसको और सूक्ष्म रूप से देखेंगे सुनेंगे तो फिर वो दैवत और निषाद चढ़ा ही मिलेगा आपको पर वो जो अप्रोच है और उस चीज का असर जो है दरबारी का दरबारी ये भी सही है वो भी सही है शास्त्र में क्या लिखा है किसी ने एकदम पक्के रूप से कोई नहीं जानता मैं सॉरी मैं किसी को ये नहीं कर रहा पर एकदम ये ही करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है लिखा हुआ होगा पर इसका भी अगर असर आ रहा है तो इन्होंने भी कुछ सही किया होगा उसके अगेंस्ट वो जो रेबल कहा जाते थे वो रेबेल आर्टिस्ट तो उनके रेबेलियन में मैं ढूंढ रहा हूं कुछ और उस चीज को मुझे पाना है तो मैंने बहुत सारा कुछ कमर्शियल काम अपना बंद कर दिया और मैं इसके पीछे लगा हुआ हूं होपफुली आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से वो मुकम्मल होगा और भगवान की दया होगी ऊपर से तो फिर शायद वो जहां तक भी उस काम को ले जाया जा सके उतना मैं अवश्य करूंगा ये तो प्रयत्न है हम लोग अश्विन एक घंटे से ज्यादा समय से बात कर रहे हैं और यकीन मानिए मतलब जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि टीवी जर्नलिस्ट हूं उन्नीस से देश के तमाम चैनलों में नौकरी कर चुका हूं कई हजार इंटरव्यू किए होंगे मैंने लेकिन इंटरव्यू के जो समय होते हैं ना वो पता ना चले तो कहते हैं यही उसकी परिभाषा है कि वो फिर अच्छा इंटरव्यू हुआ है तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अभी बहुत सारी ऐसी बातचीत है जो कर सकते हैं मतलब आपने खत्म करते करते ऐसा विषय छेड़ दिया कुमार जी का जिनकी जिनके मतलब अगर दीवानों की फेहरिस्त बनाई जाएगी तो उसमें मेरा भी एक नंबर होगा जी मुझे तो आपने रिबेल कहा तो सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि वो तो कहते थे कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता हूं बिल्कुल जो ये घराने लेके लोग चलते हैं ना कि मैं तो जी फला घराने और मैं तो जी फला घराने और वो कहते थे कि राग को एक जगह से मत देखो राग को थ्री सिक्सटी डिग्री देखो बिल्कुल हाथी बिल्कुल, को सिर्फ सूंग से मत देखो हाथी को चारों तरफ से देखो बिल्कुल, तो बिल्कुल कभी कभी आ, कभी हम लोग ये 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 हमारा आपका आज प्रॉमिस आपसे ले रहा हूं मैं क्योंकि समय आपको निकालना है मेरे पास तो समय रहता है एक हम लोग बातचीत करेंगे सिर्फ कुमार गंधर्व जी पर इस विषय के लिए तो मेरे पास समय ही समय है जब आप तो कहेंगे जब आप, आप, तुम मैं आ ये ये तय रहा कि हम लोग कुमार जी पर बात करेंगे और कुमार जी के खाने की आदतों से लेकर उन, उनकी उनकी खाने का तरीका उनकी पसंद नापसंद कैसे वो राग उनकी बातें उनकी, उनसे तो मतलब आप ये समझिए कि ये जो शास्त्रीय संगीत सुनने की तमीज आई थोड़ी बहुत अभी तक जी। वो कुमार जी की दी हुई है क्योंकि हम लोगों ने कई बार होता है ना जो बात देखिए थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आप आसान चीज सुनाकर भी कठिन तक ले जा सकते हैं शुरुआत तो हुई थी उड़ जाएगा हंस अकेला से और शुरुआत तो हुई थी उनकी निर्भय निर्गुण गाऊंगा से लेकिन वो बाद में समझ डेवलप हुई कि ये तो कुमार जी के व्यक्तित्व का बहुत छोटा सा हिस्सा है उनकी भजन गायकी की बिल्कुल बिल्कुल तो कुमार जी को सुनना है तो जाइए उनका पूरा जो शास्त्रीय संगीत का खजाना है जरा उसमें डुबकी लगाइए दर्शन श्री ये तो बहुत कम चीजें हैं वो वो बहुत 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 ज्यादा मतलब बहुत बड़ा खजाना है वो जितना ढूंढो उतना कम चलिए ये तय रहा ये मतलब आपको समय निकालना है लेकिन जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनसे हम दोनों का ये वायदा है और अश्विन मुझे पक्का पता है कि अश्विन कुमार जी के नाम पे मैं इनको आ, वापस ले आऊंगा तो जब दोबारा आएंगे तो फिर और बात करेंगे और इनके दर्शन पे भी बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी बहुत कमाल कमाल की बातें इंटरव्यू के अंत होते होते कही है बहाल अभी के लिए अश्विन भाई बहुत बहुत धन्यवाद माफी चाहूंगा आपको भाई कह दिया अभी नहीं नहीं बिल्कुल है तो <laughs> आप 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 कलाकारों को भाई कहने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि आप लो बहुत लोग बहुत गुणी लोग हैं अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हम, बहुत बहुत सारा दरिया है जो ये 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 भी बात है कि माँ कहती थी कि कभी ये मत समझ उनको ये डर था कि कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए तो माँ ये कहती थी कि और कितनी सच बात है ये की वो जो म्यूजिकल थॉट प्रोसेस जब उस समय आ रहे थी किसी आर्टिस्ट का सेम राग दो दिन एक जैसा नहीं आता आना नहीं चाहिए अगर सेम आ रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं खोट है उसमें नहीं आता इसीलिए क्योंकि उस समय जिस दिन अच्छा नहीं आया उस समय उसका जो कनेक्शन है उसकी एक जो ऑनेस्टी है वो शायद कहीं ना कहीं कम है और जिस दिन अच्छा आ रहा है उस दिन ज्यादा ऑनेस्ट बनता है ऑनेस्ट तभी बन सकता है आदमी जब उसने वो झूठ दे अपने शरीर से अपने ये से सिस्टम से और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम क्रिएशन नहीं कर सकते ये मैंने क्रिएट किया है नहीं हो सकता जिसको ये लगता है शायद वो खुद से झूठ बोल रहा है या शायद उसको वो पता नहीं है वो चीज़ हम जरिया है वी आर अडियम ऑफ एक्सप्रेशन किसी और डायमेंशन से म्यूजिक हमसे बात करने की कोशिश कर रही है और उसकी ऊर्जा हम खींच रहे हैं और कलाकार बल्कि हम्बली हम उसका जरिया बन जाते हैं हमें चुना जाता है जरिया बनाने के लिए इसलिए आप मेरे पर्सनैलिटी को नहीं पर मेरे अंदर की शायद उस ऊर्जा के बहाव को आप नमन कर रहे हैं और उस नमन को मेरे मेरा भी नमन बट uh, हमारा कुछ नहीं है उसमें एंड आई मैं जबरदस्ती हम्बल बनने की कोशिश नहीं कर रहा मैं आई 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 एम एम जस्ट हु हैव टू कॉल सो दैट इज या थैंक यू वेरी 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 मच बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद अश्विन भाई और बहुत सारी शुभकामनाएं आप यूं ही जो आपके तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें दो चार इंस्ट्रूमेंट और जुड़े कुमार गंधर्व जी आपकी बांसुरी में आए टप्पा आए बस यही फिलहाल तो ईश्वर से माँ गंगा से यही दुआ कर सकते हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद जी थैंक यू